आज हम बनाएंगे अंडा भुर्जी। उसके लिए मैंने लिया है प्याज बारीक काट लिया है, टमाटर काट लिया है बारीक, हरी मिर्ची थोड़ी सी काट ली है और धनिया की पत्ती ली है। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने थोड़ा सा, इससे जायका अच्छा आएगा। ये दो अंडे मैंने लिए हैं, इन दो अंडों को मिक्स करेंगे बाद में। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, उसके बाद ये जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमारी प्याज पड़ चुकी, अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा कच्चा ही रखना है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पे भूनते रहेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भी थोड़ा एक मिनट भूनेंगे, इससे जो है खुशबू आएगी ज्यादा। अब इसमें जो हमारा कटा हुआ था टमाटर, हरी धनिया पत्ती और मिर्ची, इन सब को हम डाल के भूनेंगे। फिर अच्छी तरीके से टमाटर थोड़ा गल जाए। इसमें जो है अंडा फेंट लेंगे हम, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जायका अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, पिसी हुई काली मिर्च। उसके बाद जो अंडा भुना है, फेटा है, उस अंडे को इसके अंदर हम डालेंगे। उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे, भूनना चालू करेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि मेरा अंडा जले नहीं। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे इसे अच्छी तरीके से, अंडा जो है जले नहीं, प्याज जले नहीं। देखिए किस तरीके से अब हमारा थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है, छोटे छोटे हो रहे हैं। अब इसको इतना भूनना है कि कच्चा ना रहे, अच्छी तरीके से इसे भूनते रहेंगे। हल्का सा तेल छूटना चाहिए। देखिए अभी तेल जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा अंडा जो है तैयार हो चुका है। उसके बाद इसे प्याली में निकाल के सर्व करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन हमारा अंडा तैयार हो चुका है, अंडा भुर्जी।